ठीक 11 दिन बाद कलर्स टीवी पर दो बड़े शोज धमाल मचाने आने वाले हैं। जी हां, 13 फरवरी की रात को दो ऐसे शोज टेलीकास्ट होंगे जिन्हें लेकर पिछले कई हफ्तों से बज बना हुआ है। एक है सुपरनेचुरल शो इश्क में घायल, तो दूसरा शो है म्यूजिकल शो जुनूनियत। ये दोनों कलर्स टीवी पर 13 फरवरी को अलग अलग टाइम स्लॉट पर दस्तक देने वाले हैं। जहां जुनूनियत शो रात 8:30 बजे के टाइम स्लॉट पर दस्तक देगा, तो वहीं इश्क में घायल 9 बजे टेलीकास्ट होगा। दोनों ही बड़े शोज हैं, लेकिन अब सवाल ये भी है कि आखिर कौन सा शो किससे आगे निकलेगा। सबसे पहले बात करते हैं जुनूनियत शो की। जुनूनियत शो में लीड रोल में नजर आने वाले हैं टीवी के जाने माने एक्टर अंकित गुप्ता, नेहा राणा और गौतम विज। उडारिया के बाद जहां अंकित का ये दूसरा शो है, तो वहीं इस शो से पहली बार लीड रोल में नजर आएंगी नेहा राणा। तो वहीं गौतम भी लंबे वक्त के बाद किसी टीवी सीरियल का हिस्सा बन रहे हैं। सरगुन मेहता के प्रोडक्शन में बनने वाला ये तीसरा शो है। ऐसे में सरगुन का शो है तो लोगों में इस बात का भी क्रेज है कि इस बार सरगुन क्या कुछ नया लेकर आ रहे हैं। इस शो के जरिए टीवी पर पहली बार एक म्यूजिकल शो आने वाला है, जिसमें संगीत के प्रति तीनों ही स्टार्स के किरदारों का अलग ही क्रेज है, या यूं कहें कि जुनून है। शो को लेकर लंबे वक्त से लोगों में एक्साइटमेंट है, खास तौर से अंकित को लेकर। तो वहीं दूसरी तरफ है सुपरनेचुरल और सस्पेंस से भरा शो इश्क में घायल, जिसमें पहली बार टीवी के दो बड़े चेहरे गश्मीर महाजनी और करण कुंद्रा नजर आएंगे। तो वहीं लीड रोल निभा रही है रीम शेख। जहां जुनूनियत का कॉन्सेप्ट म्यूजिक के इर्द गिर्द रचा गया है, तो वहीं इस शो की कहानी वेम्पायर भेड़िए के इश्क के बीच में झूलती एक लड़की की कहानी है। शो में दमदार वीएफएक्स होंगे, लिमिटेड एपिसोड्स होने वाले हैं और सस्पेंस और थ्रिल से भरा ये शो होने वाला है। गश्मीर करण ने अपने अंदाज से पहले ही लोगों को काफी इम्प्रेस कर दिया। ऐसे में इस शो की कहानी को लेकर भी माहौल अच्छा खासा दिख रहा है। देखा जाए तो दोनों ही शोज को लेकर ऑन एयर होने से पहले ही लोगों में क्रेज है, लेकिन अक्सर सुपरनेचुरल शो को लेकर लोगों में ज्यादा जुनून देखा जाता है। ऐसे में इश्क में घायल शो के आगे निकलने के चांसेस लोगों को कहीं ज्यादा लग रहे हैं। वेल, म्यूजिकल शो जुनूनियत पड़ेगा वेम्पायर और भेड़िए की कहानी पर भारी या फिर नहीं, ये तो जाहिर तौर पर शो के ऑन एयर होने के बाद ही पता चलेगा। बता दें कि जुनूनियत शो सोमवार से शुक्रवार तक टेलीकास्ट होगा, तो वहीं इश्क में घायल सोमवार से बुधवार तक। ऐसे में आपको क्या लगता है, कौन सा शो टीआरपी में धमाल मचा सकता है? अपनी ओपिनियन शेयर कीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में।